नमस्कार, मैं चंचला सिंह अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देती हूं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो मेरी होम क्लीनिंग पर है। मैं किस तरह से अपने घर की डेली सफाई करती हूँ और ये काम हर घर में इसी तरह से होता है, तो अगर इस तरह से घर की सफाई की जाए तो घर हमेशा ही साफ रहेगा। तो काम शुरू करते हैं। मैं जो करती हूँ, सबसे पहले कमरे की बेड ठीक करती हूँ, बेड की डस्टिंग करती हूँ, बेडशीट हर चौथे पांचवें दिन में चेंज कर लेती हूँ, इस तरह से बेड को ठीक करने के बाद जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है वहाँ की डस्टिंग करती हूँ। जी, ये मेरे बेटे का पियानो है। इस तरह से रेक वगैरह में डस्टिंग करने के बाद सारी चीज़ों को व्यवस्थित करती हूँ। इसी तरह से हॉल में जो भी न्यूज़पेपर वगैरह हैं उनको व्यवस्थित करने के बाद रेक एरिया, टीवी एरिया की डस्टिंग करने के बाद ये सामने लगी बेड है, बेड को ठीक करती हूँ, बेडशीट हटाकर अच्छे से झाड़ लेती हूँ। और जैसा कि हमने कहा, तीसरे चौथे से पांचवें दिन में बेडशीट चेंज करती हूँ, तो यहाँ के भी बेडशीट हमने चेंज कर दिए। इसी तरह से सोफे का कवर हटाकर सोफे की डस्टिंग करती हूँ। सोफे को खिसकाकर अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, आगे से पीछे से, ताकि अच्छे से सभी डस्ट निकल जाए, नीचे झड़ जाए। और डस्टिंग करने के बाद इन पर कवर को फिर से अच्छे से लगा लेती हूँ। और सोफे को ठीक करने के बाद नीचे से अच्छे से डस्ट को बाहर कर लेती हूँ। इसी तरह से दूसरे कमरे में जो भी डस्टिंग एरिया है उनकी डस्टिंग करती हूँ। और कपड़े सर्दियों में रात में बाहर ही सूखते थे, तो उसे दिन में थोड़ी धूप लगाकर ही उठाती हूँ। सारे कपड़ों को ठीक करने के बाद जो भी बेडशीट वगैरह निकलते हैं उनको मशीन में धुलने के लिए डाल देती हूँ। फिर जो सबसे ज़रूरी होता है, झाड़ू लगाना, तो झाड़ू मैं बहुत अच्छे से लगाती हूँ, कोने कोने से, बेड के नीचे हो, अलमीरा के नीचे हो, अच्छे से झाड़ू घुसा घुसा कर लगाती हूँ, ताकि सभी डस्ट अच्छे से निकल जाए। मेन जो होता है घर का डस्ट ही होता है। इसी तरह से फ्रिज को भी डस्टिंग करती हूँ, किचन से अच्छे से डस्ट को निकालती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद आप देख सकते हैं मेरा घर कितना साफ और सुंदर लग रहा है, जबकि अभी मॉपिंग भी नहीं हुई। अभी ठंड में डेली मॉपिंग करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं तीसरे से चौथे दिन में ही मॉपिंग करती हूँ। हालांकि गर्मियों में डेली मॉपिंग की ज़रूरत होगी और डेली मॉपिंग सही भी रहता है। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।